कर रहा था कि आप सब लोग यहीं बैठे हो इसी कमरे में? नहीं मैडम, तो धूप में बैठी थी बाहर, हो तो अच्छा है, अब सर्दी हो गई थोड़ी सी। नहीं कोई बात नहीं, पर आप लोग सब यहीं बैठे हो क्या? हैं अलग अलग बैठे हैं, मुझे तो यहीं बैठे हुए दिख रहे हैं सारे। लव विभाग के क्या निर्देश हैं अभी छुट्टियों में? यही है कि अपने सब लोग एक कमरे में बैठ जाओ, गप लगाओ, फिर बताओ तो ये तो और क्या है, कहाँ है बताइए। लव अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए पहले। कितने बजे का टाइम है स्कूल का? जी सर 7:30। कितने बज गए? 8:30। 8:25 जी सर। कितने लोग आ गए? ये तो आपने बहुत जल्दी किया, मुझे देखते ही झट रजिस्टर भर दिया, बहुत अच्छा काम किया। नहीं सर, आपने भरा ना मेरे आते ही? सर, क्यों भरा आपने? अगर आपका सब सही था, आपने जैसे ही हमारी गाड़ी अंदर आई आपने पहले रजिस्टर खोला और आपने भर दिया उसको, ये सही? एक मिनट, ये सही किया गलत किया? तो लगा देते जिनके सीएल। नहीं नहीं आप, नहीं नहीं, फिर मेरे आने के बाद आपने रजिस्टर खोल के क्या भरा है बताओ जी। सर मैंने लाल लाइन खींची सर। क्यों नहीं खींची थी अब तक? क्यों नहीं खींची लाल लाइन सर? सब टाइम पे ही आते हैं। नहीं आते तो आज क्यों नहीं आए फिर? सर आज क्यों नहीं आए? सब टाइम पे आते सर। कौन? एक मिनट, कितने कितने लोग हैं आपके यहाँ? कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। 16 में कितने लोग हैं? वो जो सब कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं वही लोग हैं जी सर? बाकी कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया अब तक? आपका दायित्व नहीं है क्या प्रिंसिपल होने नाते? ये आपकी मिली भगत है इसमें? नहीं, नहीं, सर, फिर क्यों नहीं, है ही ना, है ही ना, आप लगाते। अगर आपको 7:30 बजे एब्सेंट लगा देना चाहिए था, और नहीं तो 8 बजे तो लगा ही देना चाहिए था, आधे घंटे बाद। अब आप मेरी गाड़ी देख करके बहस मत करो, आप जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं तो आपको। आपने जैसे ही हम लोग आए आपने झट रजिस्टर उठाया, झट उसको भर दिया। ये काम तो शुभ काम आपको सुबह ही कर लेना चाहिए था। अच्छा बाकी स्टाफ एब्सेंट है इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर मैं उनको पाबंद करती हूँ और सब टाइम पे आते हैं। आप पाबंद तो आप करते रहना, आपको चार्जशीट देंगे हम, उसका जवाब देना आप। रजिस्टर में ले जा रहा हूँ साथ में। थैंक यू।